आपका क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ 9 सेंटीमीटर एच इज इमर्स्ड इन अ रेक्टेंगुलर वेसल कंटेनिंग वाटर। इफ द डायमेंशन ऑफ द बेस आर 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर्स, फाइंड द राइज इन वाटर लेवल इन कंटेनर। ठीक है ना, तो इसने देखो क्या कहा है। पहले इसने कहा है पहले कि हमारे पास में एक क्यूब है, तो हमारे पास में एक क्यूब है, उसका एज कितना है 9 सेंटीमीटर इज द एज। एज मीन्स साइड। ठीक है ना, दूसरा हमारे पास में क्या है, रेक्टेंगुलर वेसल। तो रेक्टेंगुलर वेसल का मतलब क्या है, इट्स अ क्यूबॉइड वेसल। ठीक है ना, तो क्यूबॉइड का मेजर्स क्या दे रखे है उसने, देखो कि बेस आर 15 सेंटीमीटर। तो बेस के अंदर हमारा क्या क्या होता है, एक तो होता है लेंथ, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दूसरा है 12 सेंटीमीटर, दैट इज योर ब्रेथ इज योर 12 सेंटीमीटर। नाउ अब इसने क्या किया, इस क्यूब को इस क्यूबॉइड के अंदर डाल दिया, जबकि क्यूबॉइड में पहले से ही पानी था, है ना। तो क्वेश्चन इज दैट कि फाइंड द राइज इन द वॉटर लेवल इन द कंटेनर। तो कितना हाइट पानी का इंक्रीज होगा, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। तो वी कैन नाउ से दैट जितना वॉल्यूम क्यूब का है उसके हिसाब से वॉटर का लेवल उस वॉल्यूम के हिसाब से इंक्रीज होगा, कितना भी पानी रहने दो उसके अंदर। ठीक है, तो नाउ वी कैन से वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉटर लेवल रेज्ड। ठीक है नाउ, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमारा क्या होता है, ए क्यूब, That is equal to volume of a level raised। कहां पर हो रहा है वॉल्यूम, आपके क्यूबॉइड में। तो दैट मीन्स एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ए क्यूब क्या है देखो, 9 क्यूब, दैट इज इक्वल टू एल इज 15 इंटू 12 इंटू एच। ठीक है नाउ, तो एच आपका क्या हो गया, देखो H इज इक्वल टू वी कैन से 9 × 9 × 9 बाई 15 × 12। ठीक है, कट करो 3 से, देखो 3 से कट हो रहा है, ये आ गया आपका 4। नाउ ये फिर से 3 से कट हो रहा है, ये आ गया आपका 5। तो 5 × 4 = 20। तो अब आप लिखो H इज इक्वल टू वी कैन से 9 × 9 = 81 बाई 5 × 4 = 20। तो 2 से कट करो, आपका आ गया 10 और ये हो गया आपका 40.5। नीचे आपका 10 है तो एक डिजिट और बढ़ जाएगी पॉइंट के बाद। तो अब आपका हाइट कितना हो गया, देखो 4.05 सेंटीमीटर इज योर वाटर लेवल इंक्रीज इन हाइट। तो इस तरह से सिंपल फॉर्म में आपको निकालना है इसको।